गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे इन ईवियर्स विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फोर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाइल्ड एनिमल्स इन द प्रीवियस चैप्टर जो आपके पहले के चैप्टर्स थे चैप्टर वन टू एंड थ्री उन चैप्टर्स में हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में जाने अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में एनिमल्स मतलब जानवर द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो जंगल में रहते हैं वो इंसान के साथ नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं जंगल में रहते हैं और वो अपना खाना भी खुद ढूंढते हैं वो अपनी देखभाल भी खुद करते हैं ठीक है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यहाँ पे कुछ मैच इट है वो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे मैच द पिक्चर्स ऑफ ईच एनिमल टू डेट ऑफ इट्स फूड यहाँ पे कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स हैं और उनके फूड के पिक्चर्स हैं उन्हें हमें मैच करना है कि वो क्या खाते हैं दिस इज गोट स्क्वेरल स्क्वेरल मतलब गिलहरी, लेजर्ट लायन नट्स मीट ग्रास इंसेक्ट तो लायन क्या खाता है लायन मीट खाता है लेजर्ट क्या खाता है लेजर्ट इंसेक्ट खाता है स्क्वेरल नट्स खाता है और गोड क्या खाता है ग्रास नाउ अब हम जानेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वॉट आर वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स किन किसे कहते हैं वॉट डू दे ईट वो क्या खाते हैं वे डू दे लिव वो कहाँ रहते हैं वाई आर दे इन डेंजर डेंजर मतलब खतरा वो खतरे में क्यों है नाउ वी सी सम एनिमल्स लाइक काउस डॉग्स लिजर्ड्स क्रो एसेट्रा अराउंड हम लोग आसपास अपने आसपास पास बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं जैसे कि काऊ है डॉग है लिजर्ड लिजर्ड हमारे घर पे भी रहता है क्रोज है ये सब जो एनिमल्स है वो हमें आसपास दिखते हैं मैनी एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट far फार us. फार मतलब दूर हमसे बहु, बहुत दूर रहते हैं जो जो फॉरेस्ट में रहते हैं बहुत दूर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं वो अपने लिए खाना खुद ढूंढते हैं वो अपनी देखभाल भी खुद करते कोई भी इंसान उनका देखभाल नहीं करता है कहाँ रहते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं मनी एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस ऑल दीज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स और उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं जो कि जंगल में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफ मेनी काइंड वाइल्ड एनिमल्स अलग अलग वेराइटीज के होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड साइजेस बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं कोई ग्रे कलर का होता है कोई ब्लैक कलर का होता है कोई हल्का येलोइश कलर में होता है कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं सब एनिमल्स एक जैसे नहीं दिखते हैं वो लोग अलग दिखते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं तो यहाँ पे हम क्या पढ़े वाइल्ड एनिमल्स एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट फार फ्रॉमर्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स नाउ यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है वो हम लोग जानेंगे द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड एलिफेंट जो है वो लैंड पे ज़मीन पे सबसे बड़ा जानवर है सबसे बड़ा जानवर कौन है लार्जेस्ट एनिमल एलिफेंट द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में पूरे दुनिया में जिराफ जो है वो सबसे टॉलेस्ट माना जाता है क्यों टॉलेस्ट है वो कि उसकी लेग भी बहुत ही लंबी होती है छोट पतली सी लेग्स है और वो बहुत लंबी होती है और उसकी जो नेक होती है वो भी बहुत लंबी होती है जिसके चलते है वो सबसे टॉलेस्ट है द जराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट इज द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल चीता जो है वो सबसे फास्टेस्ट दौड़ता है सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है नाउ फूड ऑफ़ वाइल्ड एनिमल्स अब हम लोग जानेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स क्या खाते हैं वाइल्ड एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग वेराइटीज के फूड खाते हैं जैसे हम लोग भी अलग अलग वेराइटीज के फूड खाते हैं उसी तरह वाइल्ड एनिमल्स भी अलग अलग वेराइटीज के फूड खाते हैं सम वाइल्ड एनिमल्स किल एंड ईट अदर एनिमल्स कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं दूसरे वाइल्ड एनिमल दूसरे एनिमल को मारकर खाते हैं पहले मारते हैं और तब उन्हें खाते हैं दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवज और उन्हें हम क्या बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवज जो दूसरे जो भी वाइल्ड एनिमल जो दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल और कार्निवज एग्जाम्पल लायंस, स्नेक्स ईगल्स वुल्फ एक्सेट्रा कानी दीजा एग्जांपल्स ऑफ कानी जैसे लायन इज ईटिंग डियर पहले वो डियर को मारता है ठीक है तब उन्हें खाता है स्नेक ऑल्सो स्नेक इज ईटिंग फ्रॉग ईगल वो एक माउस को पकड़ कर ले जा रहा है आर द एनिमल्स जो दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं दे आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या बोलते हैं हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कानीव्स जो फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कानीवोस बोलते हैं ठीक है नाउ सम वाइल्ड एनिमल्स ईट ओनली ग्रास प्लांट्स एंड लीव्स कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रीन चीज खाते हैं जैसे ग्रास खाते हैं प्लांट्स खाते हैं लीव्स खाते हैं ठीक है ठीके? दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और उन्हें हम क्या बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बी वूज और दूसरा नाम क्या दिया हुआ है हर्बी वह एलिफेंट्स जराफ डियर रैबिट एसेट्रा हर्बीवर ये जो एनिमल्स है वो सिर्फ क्या खाते है कोई ग्रास खाते कोई प्लांट्स खाते लीव्स खाते है एंड दे आर नोन एज प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बी व एलिफेंट इज ईटिंग शुगर किंग जराफ इज ईटिंग लीव्स ऑफ द ट्री एंड डियर इज ईटिंग ग्रास तो जो ग्रास प्लांट्स या लीव्स को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बी वोस नेक्स्ट इज सम एनिमल्स ईट बोट प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दे आर कॉल्ड ओमनी वोस और उन्हें हम क्या बोलते हैं ओमनी वोस बोलते हैं जो एनिमल्स प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ओमनी वोस बोलते हैं एग्जाम्पल सर बेर्स माइस क्रोज एसेट्रा ओमनी वोस ये सब जो एनिमल्स हैं वो क्या कहते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते है. और हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं ओमनी वोस सीधा पिक्चर वही अब बेर इज इटिंग फ्रूट ऑल्सो एंड हेयर द इज फिश ऑल्सो तो ज ओमनी वोर नेक्स्ट इज क्रो ये इंसेक्ट भी खा रहा है और यहाँ पे फ्रूट भी खा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं ओमनी वोर बोलते हैं यहाँ पे हम क्या जाने फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कार्निवस जो प्लांट खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवर और जो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमनी वोस नाउ सम एनीमल्स इज द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स दे आर कॉल्ड स्कावेंजर्स कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं जैसे कोई फॉरेस्ट में कोई भी एनिमल डेड हो जाते हैं ठीक है तो वो उन्हें खाते वो मार कर नहीं खाते जो कॉर्निवल्स uh, थे वो दूसरे एनिमल को पहले मारते हैं तब खाते हैं लेकिन स्कावेंजर्स जो है जो वो सिर्फ क्या खाते डेड एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं खुद से डेड हो जाते हैं उन्हें खाते हैं फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स एग्जांपल्स वल्चर्स जैकल्स हाइनास और स्कावेंजर्स ये ये सब क्या खाते हैं फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स नो फैक्ट। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैश देयर प्रे जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि कानी वोस एनिमल्स कानी वोस क्या होते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं क्यों स्ट्रांग होते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सकें दे ऑल्सो हैव शार्प टी टू टीयर फ्लैश और उनके जो तीथ भी होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं ताकि फ्लैश को वो अच्छे से टीयर कर पाए तो अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कोल्ड कानीवोज प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कोल्ड हॉवीव animals that eat both plants and flesh of other animals they are known as omnivores and animals that eat the flesh of dead animals are called scavengers यहाँ पे एक और लाइन छूट गया स्कावेंजर्स हैव टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन स्कावेंजर्स जो है वो फॉरेस्ट को क्लीन रखने में भी हेल्प करता है जैसे कोई एनिमल डेड हो गया तो उन्हें खाकर वो क्या होता है वहाँ से तो dead, वो एनिमल वो खा लेते हैं वो डेड एनिमल जो है वो खा लेते हैं है, स्कावेंजर्स तो हमारा फॉरेस्ट क्या है उससे क्लीन रहता है स्टूडेंट्स यर आर सम डिफाइन्स विच विल बी राइटिंग इन यू कॉपी फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स एनिमल्स डेट लेव इन नेचर विदाउट ह्यूमन केयर जो हमारे पर्यावरण में रहते हैं विदाउट ह्यूमन केयर मतलब जिनकी कोई देखभाल इंसान को ही नहीं करता उन्हें हम क्या कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं नेक्स्ट इज कानिवोज कानीवोज किसे बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को जो फ्लैश खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कानीवोज हबीवोज प्लांट ईटिंग एनिमल्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम हबीवो कहते हैं नेक्स्ट इज ओमनीवोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ओमनीवोज बोलते हैं नेक्स्ट इज स्कावेंजर्स एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्कावेंजर्स स्टूडेंट्स योर होमवर्क विल बी दैट यू विल बी राइटिंग दीज डिफाइंस इन योर क्लास वर्क कॉपी दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू